रखे हैं यूएसए के, लेफ्ट हैंड ड्राइव है इनकी। ये ट्रक यहाँ खड़े हैं दो, अब तो इन पे जैसे बहुत साल से खड़े हैं, कम से कम भी ये खड़े होंगे 60 साल के खड़े होंगे ट्रक एक जगह ही। इधर देश वालक भाई नहीं शुरू खड़ा भाई, ये सारी इसकी पार्टी 2200 के 3 रात अपने भाई बहुत सारी पब्लिक आ रही है यहाँ पे देखने के लिए। ये कुछ ट्रैक्टर नीचे खड़े हैं, कुछ अपना इधर उधर खड़े हैं। आगे आई है कि नहीं आई पता नहीं, पर पब्लिक एक बार में भाग लिया सारी, हमने भागना पड़ा, मैं क्या करा, हम भी दूर आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो भंडार फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, और आज मैं वीडियो बनाने के लिए निकला था अभी सुबह। आज मैं जाऊंगा, अपना एक कोचिंग कंपटीशन है आज का, कोई अपना यूपी के अंदर, कोई सिकंदराबाद बुलंदशहर के अंदर, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में सिकंदराबाद के पास में कोई गाँव है वहाँ पर, तो उसमें जा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, तो गाने लग रहा हूँ। ये अपना ईस्टर्न पैरेफेल जो अपना रोड है भाई, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, कम्युनिकेशन गैप है, तो ये इस पर जाने लग रहा था। बिल्कुल तो खाली रोड है, मतलब बढ़िया अच्छा रोड है, टाइम लग जाएगा, एक दो घंटे लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। हालांकि मेरे को आधा घंटे से ऊपर तो हो गया चलते हुए, मतलब 1.5-2 घंटे अभी लग जाए, 2 घंटे लग जाएंगे अभी जाते जाते वहाँ तक। रास्ता बिल्कुल साफ है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, पर वहाँ ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, तो बस वही प्रॉब्लम है थोड़ी, और तो कुछ नहीं। चलो जो भी है, आज कोशिश करते हैं, देखते हैं वहाँ कौन कौन से ट्रैक्टर आएंगे, कौन कौन बंदा वहाँ पहुँचेगा, यूपी का है जो रहा, यूपी में जैसे कम बंदे आते हैं ट्रैक्टर और कोचन वगैरह कंपटीशन वगैरह इन चीज़ों में, तो चलो फिर भी जो भी है जैसा भी है भाई, वो जाके देखेंगे कितने क्या बंदे आएंगे, कितना क्या है सिचुएशन वहाँ की, तो आप लोगों को दिखाएंगे, वीडियो भी बनाऊंगा और मैं व्लॉग में भी दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी थोड़ा रोड देख लो, रोड पर अभी चलने लगा है। इसमें एक चीज और बताओ, ये जो ट्रैक्टर में आपको अभी ट्रैक्टर दिखेगा थोड़ा चल के, ये वही है शायद, हाँ ये वही बंदे हैं, ये पता नहीं येलो है कपड़े पहन के, और ये ट्रैक्टर हुए ना बहुत बंदे देख रहा हूँ, ये जाने लग रहे हैं यहाँ से, ये देखो इस टाइप में इन्होंने, ये अपना ट्रैक्टर ट्रैक्टरों से जाने लग रहे हैं बहुत दूर दूर, काफी बंदे मिले मेरे को, ये पता नहीं किस चीज के लिए जाते हैं, क्या काम है इनका। चलो भाई अब आगे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को, जब एग्जिट करता हूँ कोशिश करूंगा, तो ध्यान रहेगा तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को भी कहाँ से एग्जिट करूंगा मैं। कब भाई हाईवे पे ना एक्सीडेंट हो रखा था यहाँ पे, और पीछे है ना, पीछे ये जीप में जीप घुस गई, इसके पीछे जो मैक्सी पिकअप नहीं होती वो इसके अंदर घुस गई ट्रक में, तो थोड़ा अपना जैसे गलती भी, जैसे क्या बताऊँ, ट्रक तो जैसे खड़ा था जैसा लग रहा है मेरे को, और जीप जैसे किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए साइड से, जैसे अपनी जो लास्ट रो होती है ना, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जो जैसे लास्ट रो में जैसे उसने ऐसे ओवरटेक करने की सोची, तो आगे ट्रक खड़ा मिल गया, तो उस ट्रक में एकदम जैसे ब्रेक भी लगाए भाई, गाड़ी 60-70 तो होगी, क्योंकि यहाँ पर है ना जो गाड़ी की, ट्रक की जो लिमिट है ना, ट्रक की भी लिमिट वो 80 की स्पीड की है, कार की 120 की है, बस की 100 की है, तो ये मान के चलो भाई स्पीड तो काफ़ी बना है गाड़ी की, क्योंकि ये बनाया जैसे मोस्टली हाईवे है, इसलिए कि भाई यहाँ पर जैसे आप ना फास्ट अपना टाइम बचा सकते हो और ट्रैफिक जाम वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दिखाता हूँ आप लोगों को स्पीड बोर्ड जो लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे में ना जैसे कई बार ये होता है भाई रोड खाली है, लेकिन खाली रोड पर ज़्यादा ध्यान देगा गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि एट ए टाइम जो सामने वाला अगर कोई बंदा मान बंदा है या कोई पशु है वो भी यही सोच करता है रोड खाली है जल्दी से क्रॉस कर ले, लेकिन ऐसे में देखो ये स्पीड, देखो ये स्पीड लिमिट है इसकी, ये है स्पीड लिमिट इसकी, कार की 120, कार 120, बस 100 और ट्रक 80, तो ऐसे में एक्सीडेंट हो गए। तो खाली रोड देख के ये मैं सोच रहा हूँ, खाली रोड है तो तुम सावधानियाँ डालो, थोड़ा ध्यान कम कर लो, नहीं खाली रोड पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बल्कि, क्योंकि हर कोई यही सोच करता रोड पे खाली है चलो चलते हैं, खाली है चलो चलते हैं, तो थोड़ा हाँ फोकस करो भाई इन चीज़ों पे, छोटी सेफ्टी है, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा ध्यान लगा लेना तो सारी चीज़ों से बच जाता आदमी एक्सीडेंट से, इन चीज़ों से, अनहोनी से।
चलो फिर भी भाई कई बार ऐसा भी होता है, एक्सीडेंट होना ही होता है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। यहाँ पर इस रोड पर है ना, ये जस्ट पीछे हाईवे है, और यहाँ पर इस रोड पर जैसे चल का चल का कल्चर कॉम्पिटिशन है वो, तो अभी पहुँच जाऊँगा मैं, जैसे 5 मिनट का रास्ता है। वैसे तो बंदों से बंदे मिल गए थे मेरे को, और उन्होंने मेरे को बताया था। यहाँ तो पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, क्या दिक्कत है देखी हो, ये पुराने पुराने घर हैं, जैसे मुर्गी फार्म नहीं होते ऐसे कुछ है, तो पुराने घर हैं, स्कूल बिल्डिंग है कोई पुरानी। अच्छा अच्छा, ये तो पुरानी बिल्डिंग वगैरह है कुछ, कोई फैक्ट्री फुक्ट्री कोई पुरानी बिल्डिंग है शायद, ऐसा लग रहा है। ये इसमें स्कूल खोल दिया मैंने एक बार, और जो टोचन कंपटीशन इसी रोड पर बता रहे थे, पीछे ट्रैक्टर वाले मिले थे मेरे को, उन्होंने बताया था। चलो बाकी चलो गांव में चल के पता लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर कुल मिला के पहुँच गया मैं आराम आराम से, बीच में रुकना था एक तो, एक जगह रुका भी था बीच में, भाई पुलिस भी आ गई है, हालांकि परमिशन ले रखी है शायद ही ले रखी इन्होंने, पुलिस भी आ गई इसी उसमें। और अब चलो देखो, मैं तो अभी पहुँचा भी नहीं हूँ प्रॉपर, पहुँच के ही बताऊँगा जो भी होगा। अंदर की साइड में है कुछ अपना, ये गाड़ी खड़ी होगी यहीं पर, चलो अब देखेंगे। यहाँ पर भाई जैसे ऑब्जेक्शन उठा दिया किसी बंदे ने, इसीलिए टोचन कंपटीशन हो नहीं पा रहा। अब लोकेशन मिलेगी मेरे को, तब पता लगा कहाँ जाना है। अपना 2-3 बंदे आए थे अपना हरियाणा से भी आ रहे हैं, तो वो भी उनसे बात करी थी, वो बोले भाई अभी हमने भी नहीं पता कहाँ है, तो वो लोकेशन भेज जाएगा वहाँ तब जाऊँगा। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पर, सबसे पहली बात तो गर्मी है। ये देखो पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत पब्लिक है। अभी पुलिस वाले भी दिखाए थे पीछे मैंने, तो वो भाई लोकेशन भेज रहे हैं, लोकेशन पर देख कर फिर चलेंगे आगे, करते हैं भाई निकलते हैं फिर। चलो फिर मिलवाता हूँ आप लोगों को, जो जो बंदे आए हैं हरियाणा से। इसकी जीप आगे जाने लग रही है भाई, इस गाड़ी के आगे पुलिस की जीप है दोस्तों, और एक वहाँ परमानेंट रुकी की है, 5-6 बंदे वहाँ हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, और एक जीप वहीं खड़ी होगी परमानेंट, अपना छाँव में लगा दी कि भाई कंपटीशन नहीं होना देना, चाहे कुछ हो जाओ जो भी है। कुछ परमिशन तो थी वैसे, चलो अब आगे चल के पता करेंगे भाई, मेन जो करवा रहे थे ना आयोजक करता थे जो, उनसे मिलकर फिर बताएंगे आपको। ये यहाँ पर टोचन कंपटीशन का भाई कैंसिल हो गया, परमानेंट कैंसिल हो गया लगभग ये, तो अब अपना कोई और देखना पड़ेगा जुगाड़ पानी। ये अपना जा रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, परमानेंट कैंसिल हो गया, गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया। वो जो कारण पता लगा ना किसी बंदे ने, मैं अंदर चल के बताऊंगा, अभी फिलहाल एक बार देख लेते हैं इनका क्या है प्रोग्राम। भाई ये सिकंदराबाद का बाईपास आ गया, और अब सुनने में आया कि ट्रैक्टर कंपटीशन होएगा, टोचन कंपटीशन अपना कह रहे हैं प्यार से कर लो आराम से, एक लोकेशन पर पॉइंट पर कह रहे हैं अब करवाने की, बाकी देखो क्या होगा। ये ट्रैक्टर जाने लग रहे सामने गए सारे ट्रैक्टर, तो यहीं कंपटीशन कहीं सुनने में आया है। चलो जो भी देखते हैं, जैसा भी होगा प्रोग्राम कर लेते हैं। बंदे काफ़ी उतावले हैं, ट्रैक्टर भी बहुत ज़्यादा है भाई, 25-30 ट्रैक्टर होंगे कम से कम भी यहाँ पर। यहाँ के बंदे भी जैसे चाह रहे हैं कंपटीशन करवाना, अपना देखना चाहते हैं अपने ट्रैक्टर का दम। चलो अब जैसा भी होगा कंपटीशन शायद हो सके है, शायद एक उम्मीद है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो ये अपना बंदे और भी खड़े हैं यहाँ पर रास्ते में, ये बंदे सब बंदे ट्रैक्टर टोचन कंपटीशन वाले ट्रैक्टर के अंदर खड़े हैं, यहाँ पर अंदर खड़े, कुछ ट्रैक्टरी जाने लग रहे आके धीरे धीरे कंपटीशन के लिए, तो देखो क्या होगा। जा तो रहे बंदे भाई, चलो जैसा भी होगा ना फाइनल बताऊंगा आप लोगों को। ये देखो भाई एक ट्रक पलट गया, वैसे तो नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, और ये ट्रक भी पलटा किस कारण है, एक तो रोड थोड़ा भीड़ा था, उस रोड पे क्या हुआ कि जो मेरे को लग रहा है ये जैसे सामने से देखो ट्रक ने एकदम कटर मारना पड़ा, ओवरटेक के टाइम पे कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन में ये ट्रक जैसे रोड से नीचे उतरा हुआ ये फिसल गया, मिट्टी नीचे गहराई थी और वैसी फोकी मिट्टी थी, तो फोकी मिट्टी में ना ट्रक पूरा फिसल गया एकदम आगे से पूरा फिसल के, और थोड़ी देर रुका फिर गिरा है एकदम, और जो अपना स्टेयरिंग रोड वगैरह वो टूट गई। ओवरटेक करते टाइम पलटा है ना भाइयों, कोई नहीं। ये था वह ट्रक अशोक लीलैंड कंपनी का है, ये देखो इसकी
रोड भी टूट गई, लोड में था ट्रक, ये स्टेयरिंग रोड भी टूट गई इसकी, ये निकल गई गोली यहाँ से निकल गई ये गोली, स्टेयरिंग रोड की जो गोली थी। ये अपना ट्रक देख लो बेचारा, बड़ा अच्छा शानदार ट्रक बना रखा था बंदे ने, लोड में है ये ट्रक, भरा हुआ है पूरा, लोड में था, मिट्टी फोकी होने के कारण ये प्रॉब्लम आई है। ये सीमेंट के कट्टे भर रखे थे इन्होंने, ये सीमेंट के कट्टे भर रखे थे और पूरा ट्रक पलट गया भी यहाँ पर। बस मजबूरी हो जाए भाई आदमी की, वैसे कोई जान जून का तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना, नुकसान होया बस, वो ट्रक पलट गया, बस किस्मत है भाई ये तो अपनी, अब क्या कर सकते हैं इस चीज़ के सामने किसी की नहीं चलती। और इधर से नीचे चल कर दिखाता हूँ आप लोगों को भाई, ये रास्ता तो है थोड़ा डेंजर है, ये देखो। अरे दोस्त कैसे, क्या हुआ यो, ओवरटेक करते टाइम हो गया क्या, मतलब जैसे सामने कोई गाड़ी आ गई, अच्छा टायर रॉड की गोली टूट गई, ठीक, अच्छा, जब इधर एकदम मैं दमा किसी आगे सामने जाकर ओवरटेक करते टाइम थोड़ा नीचे उतारा होगा रोड पे भाई, वो टायर रॉड की ना, स्टीयरिंग रॉड की जो टायर रॉड है, जो गोली है वो निकल गई एकदम, निकलने से ट्रक फिर अपने आप एकदम उधर भाग गया, लोड में था ये, लोड में ब्रेक मारे हुए तब भी ऐसे काम में तो पार बस आती नहीं भाई। ये भाई यहाँ पर टोचन कंपटीशन हो रहा है, चालू हो गया थोड़ा थोड़ा, कुछ भाई बहुत सारी पब्लिक आ रही है यहाँ पर देखने के लिए, ये इधर कुछ ट्रैक्टर नीचे खड़े हैं, कुछ अपना इधर उधर खड़े हैं, ट्राई लेके देखी थी अभी सोनालिका के लिए महिंद्रा की, तो जो भी था कंडीशन वो जीत गया महिंद्रा, और भी बंदे आ रहे हैं, अब देखो कुछ और भी करके देखेंगे धीरे धीरे, ऐसे छोटे मोटे टोचन करने की कोशिश करेंगे अब और देखेंगे। चलो भाई और दिखाते हैं आप लोगों को कुछ आगे जो स्टोरी बनेगी, आगे आई है कि नहीं आई है पता नहीं, पर पब्लिक एक बार में भाग लिया सारी, हमने भागना पड़ा, मैं क्या करा, हम भी दूर आ रहे हैं, भरोसा नहीं कहूँ कहाँ क्या चीज है। पब्लिक देखो खेतों में कूद गई, ये देखो खेतों में चली, ट्रैक्टर वाले भी चले गए आगे सारे, जो भी था सही था, ये तो मजेदार था, लोग खेतों में चले गए अपना। देखो भाई यहाँ पे आया ना, तो ये ट्रक थे, ये काफ़ी टाइम से पे खड़े हैं, मैंने इनकी वीडियो वैसे बना रखी ऑलरेडी, ये ट्रक हैं यूएसए के, लेफ्ट हैंड ड्राइव है इनकी, ये ट्रक यहाँ खड़े हैं दो, अब तो इन पे जैसे बहुत साल से खड़े हैं, ये कम से कम भी ये खड़े होंगे 60 साल के खड़े होंगे ट्रक, एक जगह ही यहीं खड़े हैं ये 4x4, इधर एक क्रेन है, ऐसे मैं जैसे यहाँ आया था, और ये पीछे उस टाइम की कोठी हुई है, जो घर बना हुआ है ये पीछे जो बना हुआ है ये उस टाइम का बना हुआ है, इसके दोनों तरफ में नहर है, इसके इस साइड में भी नहर है और इस साइड में भी नहर है, और इधर एक ये ट्रक अपना, एक ये खड़ा है यहाँ पर ट्रक, दो क्रेन आगे खड़ी हैं ऐसे, ये RD-24, तो ये था अपना यहाँ आया था, चलो दिखा देते हैं भाई, और जो मैं आगे बता रहा था आपको लोडर वगैरह जो वो खड़ी हैं क्रेन वगैरह, और भी वो आगे खड़ी हैं, आगे चल के देखेंगे हम, वहाँ खड़ी हैं वो क्रेन। चलो भाई इन भैया ने ना कुछ और भी बताया, दो ट्रक और उधर खड़े हैं, दो तीन चीज़ें तो आज ले आए हैं, तो नहीं की रिसर्च कर लें, फिर देखते हैं, फिर करते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। ये देखो भाई निशु देशवाल पार्टी कैसे लुटी है, हटाइए भाई पा, के खेल हो रहा है, तो चंदा कर लिया है इधर देश वाले भाई निशु खड़ा भाई, ये सारी इसकी पार्टी, दो भाई सो गए, 300 गए, तुम भी सो जाओ, सुन दे दिखा हम होगा ये भाई सोने की तैयारी कर रहे हैं पूरी, ले भाई मैं भी निकलूँ अभी आता है इन भाई, चले निशु भाई और क्या कर रहे हैं, लोटो तुम दे सो जा, वारा सो जाओ, तुमने दो तीन दिन रात होली, दो तीन रात कोई नहीं ना सही है भाई सही है,
चलो भाई चलते हैं अभी, यहाँ से निकलते हैं अभी, धीरे धीरे घर पहुँचने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, धीरे धीरे जाना आराम से। चलो भाई निशू ठीक है भाई, आज छोड़ दो करते ही थक रहा भाई, 3 रात होगी जागते ने भाई, हमने तो छोड़ दा मैं रिले भाई, भी तो भाईचारा भी तो खेल लिया है ना, घने जने क्या बंदे आ रहे अपने अपने 10-12 घर है, 3 ट्रैक्टर एक गाड़ी और 10-12 घर है इकट्ठे साथ में। चलो आज टोचन में नहीं हो पाई इस बढ़िया डाला, उन्होंने ट्राई तो रही देखे स्वाद तो पूरे तो कर दिए स्वाद में कमी नहीं छोटी, पोजीशन नहीं आई मतलब पोजीशन पर ही लेनी थी ट्रैक्टर में। चलो वो तो कह रहे यार को हालात खराब हो गए उस कारण कंपटीशन नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया। अरे यार पहली बार हमने ट्रैक्टर कंपटीशन में तैयार देख बेरा लागो भी कड़ा है के कमी हो यार कुछ सीखने ना मिलो ना यार, चल कोई नहीं आगे फिर देखेंगे तो फ्यूचर में, अरे नहीं बाकी अपना घर आए ठीक है अपना स्टंट मार लो कुछ नहीं इतनी दूर तक खाएगा भाई, बुरा हाल हो गया 4 दिन हो गए ऊपर से जाने लग रहा है की तरफ, ये देखो कुंडली खुदाई कुंडली रह गए 59 किलोमीटर 60 किलोमीटर करीब हुई है, अब हाईवे पर चल रहा हूँ धीरे धीरे खाली, अब अपना आराम से 80 की स्पीड चला रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं गाड़ी भगाता नहीं, बढ़िया अपना पहुँच जाऊँगा लग जाएगा 1-1.5 घंटा लग जाएगा घर तक जाते जाते। चलो भाई आज अच्छा दिन गया, बढ़िया था कंपटीशन हालांकि कैंसिल हो गया पर फिर भी चलो जो भी था ठीक था, जैसा भी था अच्छा दिन गया बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भाइयों से मिल लिए अपना अच्छा टाइम पास हो गया, और अब घर की तरफ जा रहा हूँ।